मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर रहे, जहां स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। इसके बाद वो कृषि मंडी प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में केकड़ी जिले को आवंटित बजट के संबंध में आयोजित धन्यवाद सम्मेलन में शिरकत की। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने रक्तदान शिविर का भी अवलोकन किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने केकड़ी को दी गई सौगात के बारे में बताया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आपने जिस मन से और विश्वास के साथ भाजपा की सरकार बनाई है, हम सबका दायित्व है कि जिन वादों को करके आए हैं उनको पूरा करें। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में पेपर लीक हो रहे थे, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। हमारी पुलिस ने 100 से ज़्यादा पेपर माफियाओं को पकड़ने का काम किया है। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले गैंगस्टर राजस्थान में आकर शरण लेते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है। हमने कहा था कि कोई गैंगस्टर राजस्थान नहीं आएगा, और आएगा तो वापस नहीं जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि आपने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं सभा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जूते पहने। भजनलाल शर्मा विधायक के लिए जयपुर से ही जूते लेकर गए थे। विधायक गौतम पिछले 8 महीने से नंगे पैर रह रहे हैं। आपको बता दें कि केकड़ी से भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने एक सड़क को 4 लेन कराने की मांग को लेकर विधायक बनने के साथ ही चप्पल जूतों का त्याग कर दिया था। उनकी मांग पूरी हो गई है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्षेत्र में नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क का संकल्प लेते हुए चुनाव जीतने के बाद तुरंत जूते चप्पल उतार दिए थे।